नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इस कोरोना के टाइम में जो है अपने आप को प्रिकॉशन ले रहे होंगे और अपने टाइम को सदुपयोग करिए, ठीक है? क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द स्टडी पर्पस, ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतर टाइम है ये। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा। आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है मेरे आपके इस यूट्यूब चैनल दैट इज़ चौहान सर क्लासेस, ठीक है? और थैंक यू सो मच, आप जो वीडियोस देख रहे हो उस पे कमेंट कर रहे हो, उसमें जो भी कुछ कमियां हैं उसको आप थोड़ा सा बता रहे हो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर यू पीपल, ठीक है? आपने ये चीज़ बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लिया होगा तो इसको आप देख के समझ में आ गया होगा कि आज जो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ और क्या डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि पिछली वीडियोस में आपको याद होगा मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ भी आऊँगा, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा और जितनी भी अवेयरनेस की वीडियो सब ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो उसी सिलसिले में आपकी फरमाइश पे, आपकी च्वाइस पे आज फार्माकोलॉजी की शुरुआत मैंने कर दी है, ठीक है? आपने फार्माकोलॉजी पढ़ा होगा। अब सबसे पूछ रहे होंगे कि सर ये फार्माकोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं? जो फार्मेसी के बच्चे उनको तो पता ही है कि फार्माकोलॉजी हमको कब पढ़ना है, वो थर्ड ईयर में आके हमको फार्माकोलॉजी पढ़ने को मिल रही है, ठीक है? और ये समझ लो कि एक बैकबोन है आपके फार्मेसी की। जैसे सूटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वैसे ही आपका बैकबोन समझ लो है फार्माकोलॉजी, ठीक है? तो इस सब्जेक्ट को देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको बहुत टीचर पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मेरा क्या है आपको बहुत सिंपल वे में समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना। और सबसे बड़ी बात जो मैंने टैगलाइन दी है, इन अ इनोवेटिव वे, ठीक है? इनोवेटिव वे में आपको पढ़ाना है। इनोवेटिव वे का मतलब कि ऐसे तरीके से पढ़ाओ कि दिमाग में फिट हो जाए बिल्कुल। और किसी भी चीज़ को पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है कि इसको पढ़ना कैसे है, अगर उस सब्जेक्ट का हमें ओवरऑल समझ में आ जाए कि हाउ वी हैव टू डील विद दैट सब्जेक्ट, हाउ वी हैव टू डिस्कस विद दैट सब्जेक्ट, हाउ वी हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। फार्माकोलॉजी क्या सब्जेक्ट है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहाँ से आया और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर। सो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है, फार्माकोलॉजी के बारे में। अब इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है, फार्माकोलॉजी। देखो मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों से, जितने भी मेरे बच्चे पढ़े हुए मेरे से जितने भी हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि जब भी आप टॉपिक को पढ़ो तो जस्ट रीड, जस्ट वॉच द टॉपिक वेरी केयरफुली, जस्ट गिव सम टाइम। उसी टॉपिक में कुछ क्ल्यू छुपा रहता है। सो क्ल्यू आपको दिख रहा होगा कि फार्माकोलॉजी, तो फार्मा वर्ड आपको समझ में ही आ होगा कि फार्मेसी से रिलेटेड है, ठीक है? और अगर देखा जाए तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फार्माकोन वर्ड होता है, एक लोगोस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी ड्रग की स्टडी। सो आप कह सकते हो कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, साइंस ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन एक चीज आप देख रहे होंगे, आजकल जो केसेस चल रहे हैं, जो सारी चीज आप देख रहे होंगे, तो आपको ड्रग्स बड़ा निगेटिव इमेज में जा रहा होगा। बट आपको समझने की जरूरत है कि हम जो ड्रग्स जिसकी बात कर रहे हैं उसको नेगेटिव सेंस में क्यों लेते हैं। जब हम किसी भी दवा को, किसी मॉलिक्यूल को मिसयूज करने लगते हैं तो उसका एक नेगेटिव सेंस जाने लगता है। लेकिन जो आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो रहे हो, उसको तो हम उस निगाह से नहीं देख रहे, उसको हम पॉजिटिव इफेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा सा चीजें हम देखेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये फार्माकोलॉजी जो है इसमें दवाओं के बारे में पढ़ने वाले हो आप। दवाओं के बारे में क्या पढ़ोगे, उनका क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ दे आर एक्टिंग, उनका साइड इफेक्ट क्या है, उसमें मेन ड्रग कौन सी है, क्लासिफिकेशन क्या है, कहां पे काम कर, दिस ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू डील विद दैट। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि इट इज द साइंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है? कहां से, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, इसी पर्टिकुलर वर्ड से निकल के आया। लेकिन आप जब कोलोजी पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी जब पढ़ोगे, तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि ये फार्माकोलॉजी जो है केवल साइंस ऑफ ड्रग होके नहीं रह पाती, इसका बहुत ब्रॉडर सेंस है। सो ब्रॉडर सेंस इज व्हाट, इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम्स। कहने का मतलब फार्माकोलॉजी में कोई एक एक्सोजेनस मॉलिक्यूल जिसको हम बाहर से लेंगे, वो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करेगी और बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करेगी। यानी जो भी मेडिसिन, तो एक्सोजेनस मॉलिक्यूल्स हम क्या ले रहे हैं, उसमें हम ड्रग को यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई भी दवा हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ क्या व्यवहार करने वाली है और वो दवा खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या असर होने वाला है। तो समझ गए,
तो फार्माकोलॉजी एक तो साइंस ऑफ ड्रग ही है, दूसरा ये इंटरेक्शन है एक एक्सोजेनस मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर जब दिया जाता है तो हाउ इट इज गोइंग टू एक्ट, हाउ दिस बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। चलिए ज्यादा अंग्रेजी हो गई, थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं। तो हिंदी में ये कहने का मतलब है कि ये एक साइंस है, किसकी, ड्रग की है, ड्रग्स रिलेटेड है, और उसमें क्या करने वाले हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि फार्माकोलॉजी में हमेशा जो एक्सोजेनस मॉलिक्यूल, तो एक्सोजेनस मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या, ड्रग, बार बार ड्रग आ रहा, तो अभी ड्रग के बारे में समझेंगे ड्रग है क्या एग्जैक्टली, जो बार बार हम ड्रग कर रहे हैं। तो एक्सोजेनस मॉलिक्यूल जो ड्रग को आप बाहर से ले रहे हो, उस मॉलिक्यूल का हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्शन को ही फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो ये जो इंटरेक्शन है इसमें, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक को बोला गया फार्माकोकाइनेटिक्स, एक को बोला गया फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कि पूरी फार्माकोलॉजी को जब आप पढ़ोगे, इसके पूरे सार को पढ़ोगे, तो दो चीजें आप समझ पाओगे कि कोई एक ड्रग मॉलिक्यूल होगा, उस ड्रग मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर देंगे तो वो ड्रग मॉलिक्यूल बॉडी पे असर भी करेगा, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स, और जो बॉडी है उस ड्रग को मॉडिफाई करेगी, उसको एब्जॉर्ब करवाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी, मेटाबॉलिज्म करेगी, एक्सक्रीट आउट करेगी, उसको बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। यहां पे अगर किताबी भाषा पे जाए तो किताबों में क्या लिखा रहता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो जैसे आप ड्रग मॉलिक्यूल दवा ले रहे हो बॉडी के अंदर, तो कोई भी चीज बॉडी के अंदर जाएगी तो बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करेगी। तो बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, कैसे मेटाबोलाइज करा रही है, कैसे एक्सक्रीट आउट, कैसे एलिमिनेशन हो रहा है उसका, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी जो ये इंटरेक्शन, इसको दो भाग में बांट दिया गया। और दूसरा पार्ट क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स। स्पेलिंग अगर ना समझ में आए तो समझ ले, फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, इसका अगर किताबी भाषा देखा जाए तो क्या कहती है किताब कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। सिंपल सी बात है यार, इतनी टिपिकल भाषा में क्यों पढ़ते हो आप। कहने का मतलब है, ऐसे समझो कि एक दवा मॉलिक्यूल है, एक बॉडी मॉलिक्यूल है। अब मान लो मुझे फीवर है, तो दवा मैंने खाया, तो दवा का काम क्या है, दवा किस लिए खा रहा हूं, जस्ट टू रिड्यूस द फीवर, ताकि मेरा बुखार उतर जाए। यानी दवा बॉडी के ऊपर क्या असर कर रही है, यानी कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी दवा क्या असर कर रही है, उसी को बोलते हैं डायनेमिक्स। दवा के असर को बोलते हैं डायनेमिक्स, ऐसे हिंदी भाषा में समझ लो। यानी कि दवा खाया तो उसने बुखार उतार दिया, कि आपका वायरल इन्फेक्शन था उसको ठीक कर दिया, उसको बोलते हैं थेरापेटिक एक्शन। जैसे मान लो किसी को एचआईवी इन्फेक्शन है, तो दवा खाते एचआईवी इन्फेक्शन ठीक हो गया, तो यानी कि दवा ने बॉडी के साथ क्या किया, उसी को बोलते हैं डायनेमिक्स। लेकिन अब बॉडी तो इतनी ज्यादा है नहीं कि कुछ भी कोई भी आया, मतलब कि वो बिल्कुल कोई भी आया और एंट्री मार गया, बॉडी भी तो कुछ रिस्पॉन्ड करेगी। तो बॉडी क्या करेगी, उसके साथ उसका एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर देगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, मेटाबॉलिज्म को, एक्सक्रीशन को, सबको प्रभावित करेगी। यानी कि जो बॉडी है वो दवा के साथ क्या कर रही है, उसके एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर रही है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर रही है, उसके एलिमिनेशन को, उसके मेटाबॉलिज्म, सभी को प्रभावित कर रही है। तो इसी को बोलते हैं ADME। ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मतलब मेटाबॉलिज्म, ई का मतलब एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहां पे यानी कि काइनेटिक्स पार्ट में आपका ADME होता है, डायनेमिक्स पार्ट में थेरापेटिक एक्शन होता है। बस इतना याद रखना आपको, और इतना ना याद रहे तो आपको याद रखना है कि फार्माकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जहां पे दवाओं के बारे में स्टडी करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, उनका साइड इफेक्ट क्या है, उनका पाथवे क्या है काम करने का, वो सारी चीजें हम समझते हैं। उसके अलावा जो फार्माकोलॉजी होती है वो इंटरेक्शन होता है किसके बीच, एक बाहरी मॉलिक्यूल जो कि बॉडी के अंदर दिया जाता है और बॉडी के बीच का इंटरेक्शन होता है। तो ड्रग मॉलिक्यूल और बॉडी के बीच के इंटरेक्शन को दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक को बोला गया फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरे को बोला गया डायनेमिक्स। तो सिंपली भाषा में मैंने बताया कि जैसे दवा खाया, दवा ने आपका बुखार उतारा, यानी कि दवा ने बॉडी के साथ क्या किया, उसको बोलेंगे डायनेमिक्स, यानी कि बुखार उतारा, यानी थेरेपेटिक एक्शन क्या था, फीवर। अभी काइनेटिक्स में क्या है कि बॉडी उसके साथ क्या कर रही है, उसको एब्जॉर्ब कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे, मेटाबॉलिज्म कैसे, एक्सक्रीशन कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज ADME। तो यानी कि पूरी फार्माकोलॉजी को हमने समेट दिया फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स में, यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो डायनेमिक्स पार्ट का होता है। कोई कहे कि दवा कैसे असर करती है, दवा कहाँ असर करती है, तो इस सारा पार्ट कहाँ डिस्कस करने वाले हम, डायनेमिक्स में। ठीक, चलिए अब कुछ चीजें जो है फार्माकोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा कि फार्माकोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं।
इम्पोर्टेंट, जाहिर से बात है परीक्षा है तो परीक्षा में देना पड़ेगा आपको, कितना इंपॉर्टेंट है आपको उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले परीक्षा के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना है कि आप थर्ड ईयर में जब जाते हो तो फार्माकोलॉजी, मैंने कहा ना कि दिस इज द बैकबोन फॉर योर फार्मेसी, ठीक है, और आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि दवाओं के बारे में आप समझ पाओ कि बुखार में कौन सी दवा देनी है, HIV इन्फेक्शन हो गया तो कौन सी दवा देनी है, किसी को खांसी है तो कौन सी दवा देनी है, उसके साथ साथ उसका ब्रांड नेम पता होना चाहिए। दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस फार्माकोलॉजी। तो सारी दवाओं का ही खेल है, डॉक्टर जो लिखता है दैट इज टोटली फार्माकोलॉजी, वो दवाई लिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको इस फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है। जैसे बार बार देख रहे हो ड्रग ड्रग ड्रग, तो ड्रग को हम दो सेंस में लेते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंस, एक होता है निगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस में क्या हो गया कि वो ड्रग आपके बॉडी में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हो कर रहे, जैसे किसी को बुखार है तो बुखार उतार दे, किसी को HIV इन्फेक्शन है तो HIV इन्फेक्शन ठीक होगा, किसी को दर्द हो रहा है पेन किलर खा ले दर्द गायब हो गया, यानी कि वो पॉजिटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव सेंस में ड्रग को ले रहे हैं आप, निगेटिव सेंस में कोई खा रहा है ड्रग को, अब जैसे मॉर्फिन है, कोई हीरोइन कोडीन हसीस है गांजा है उसको चरस है उसको ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक निगेटिव इंपैक्ट हेल्थ पे डाल रहा है आपके, आपको लत लगा रहा है वो, इट इज कॉजिंग द डिपेंडेंस ऑन यू, दैट इज इन द निगेटिव सेंस। तो दोनों सेंस में हमको समझने की जरूरत होती है। लेकिन अगर ड्रग को आप डीपली पढ़ोगे तो इस ड्रग को आप देखोगे दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक इसेंशियल ड्रग होती है, एक ऑर्फन ड्रग्स होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इस ड्रग को जान ले कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। WHO और अदर एजेंसीज ने भी इसकी डेफिनेशन दी है, तो एक ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है कि ड्रग इज अ केमिकल मॉलिक्यूल, इट्स अ केमिकल मॉइटी दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ट्रीटमेंट और मिटिगेशन और क्योर ऑफ दैट डिसीज। यानी कि ड्रग एक ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रिवेंशन करने के काम में आता है, ट्रीटमेंट के मिटिगेशन और डिसीज के क्योर में काम आता है, यानी कि वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को बॉडी के चेंज करता है, डेट इज कॉल्ड एज ड्रग। तो आज के बाद जिंदगी में कभी मत भूलिएगा ड्रग क्या है, ड्रग का पॉजिटिव सेंस क्या है, निगेटिव सेंस क्या है, वो चीज़ समझना हमें कोलोजी में हम पूरा पढ़ते क्या है। मैंने आपसे कहा ना कि कोलोजी को इतना इंटरेस्टिंग और इतना आसान बना दूंगा ना मैं कि मतलब जो आपको हवा लग रहा है ना आप बहुत इजीली पास हो जाओगे, और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में आप एक बार पढ़ लो ना तो कोई भी दुनिया का कोई कंपटीशन ऑफ फार्मेसी चाहे DI हो चाहे फार्मासिस्ट हो, व्हाट एवर द एग्जाम यू आर गोइंग टू जस्ट क्रैक दैट एग्जाम थ्रू द कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए ये तो समझ में आ गई। तो इसमें दो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होती है, वन इज इसेंशियल कैटेगरी, इसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी है, जरूरी का मतलब कि जब उसकी जरूरत पड़े तो वो पब्लिक को एक्सेसिबल होनी चाहिए, मेडिकल शॉप पे हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, हॉस्पिटल में हमेशा 24/7/365 days इट शुड बी अवेलेबल, उसका स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए उसका नाम इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी है, समझ गए, तो नाम से ही इसको समझो। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसको तब कोई पूछता है जब इसके डिमांड होती है। तो ऑर्फन ड्रग्स उसको बोलते हैं कि जिनकी डिमांड बहुत कम होती है और रेयर डिसीजेस के लिए, बहुत कोई रेयर डिसीज हुई है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दूं, आपको डिजॉक्सिन आपने खाया और डिजॉक्सिन की ओवरडोज हो गई तो उससे टॉक्सिसिटी हो गई, तो आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा कि डिजॉक्सिन से जो है टॉक्सिसिटी होती है। तो डिजीफैब करके एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं, डिजीफैब उसका नाम होता है, डिजीफैब। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का सूटिक्स में पढ़ाऊंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आप समझोगे, सूटिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, पूरा DDS पढ़ा दूंगा, पूरा डोजेस फॉर्म सब चीज पढ़ाऊंगा, बस पेशेंट से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ऑर्फन ड्रग्स किसके लिए होंगी, ऐसी दवाएं जो अनाथ हैं, जिनका कोई काम अभी नहीं है, उनका डिमांड तब होता है जब उनकी मांग बढ़ती है, जब कोई रेयर केस आ जाता है, जैसे किसी को अब एग्जाम्पल मैंने दिया कि किसी को डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको ये आपने दे दिया एंटीबॉडी, दे दिया जाके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाके बाइंड हो रही है उसके टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए, ठीक है, उसको रेयर डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ अवेलेबल होना चाहिए, स्टॉक में होना चाहिए। तो ये पार्ट क्या फार्माकोलॉजी एक समग्र रूप से, एक इंटीग्रेटेड रूप से बता दिया कि पूरी फार्माकोलॉजी क्या है, उसका सार बता दिया मैंने, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट बता दिए, ठीक है। अब चलिए, अब जो मेन पार्ट है फार्माकोलॉजी पढ़ना क्या है कैसे है, यही तो मेन है, यही तो पता ही नहीं चलता पूरे साल भर पूरे सेमेस्टर भर कि फार्माकोलॉजी पढ़नी कैसे है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन।
ठीक है। तो इसको मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है। ये स्ट्रेटजी चाहे आप कंपटीशन पढ़ो, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम दो, आपको पता है कि सब्जेक्ट का कितना बड़ा रिलेवेंस, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द बैकबोन। आप फार्मासिस्ट के एग्जाम दोगे, सारी कोलोजी भरी मिलेगी आपको, डीआई के एग्जाम दोगे, कोलोजी आपको मिलेगी वहां पे। अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम आप दे ही रहे हो, और फार्मासिस्ट हो तो आपको दवा के बारे में पता भी होना चाहिए, घर पे कोई बीमार हो गया कैसे करोगे उसको इलाज, और जब पता ही नहीं रहेगा कुछ तो। ठीक, सो दीज यूजफुल अवेयर। चलो, तो कोई भी जब स्ट्रेटजी हम जैसे पढ़ने वाले होते हैं फार्माकोलॉजी की, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं, जब आप कोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें सेगमेंट होते हैं एंटी एचआईवी ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो जब ऐसी कोई कैटेगरी आती है तो उस कैटेगरी में सबसे पहले जैसे मान लो एंटी अस्थमेटिक पढ़ना है, यानी कि ऐसी दवा जो अस्थमा के अगेंस्ट यूज की जाती है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज करने के लिए पहली बात तो यही जानना होगा ना कि अस्थमा है क्या, इसीलिए आपको शुरुआत में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा दी जाती है। यार दवा कहाँ यूज करोगे आप, दवा जब पता होगा यूज कहाँ करना है उसी के हिसाब से टारगेट अपना फिट करोगे। ठीक है, तो डिसीज के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ पीएचडी करिए, इसलिए आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले पढ़ाई दी जाती है कि बॉडी के बारे में, जहां दवा अप्लाई करना है उसके बारे में आप जानिए। ठीक है, तो अस्थमा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा भी बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल देखो, एकदम स्मार्ट टेक्निक बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, बिल्कुल एकदम हलवा बना दूंगा एकदम फार्माकोलॉजी, बस बना बना मिले तो गप कर जाना है, ऐसे फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा जिंदगी भर याद रखने वाले हो आप। ठीक है, क्लासिफिकेशन, उसके बाद जैसे मैंने अस्थमा का एग्जाम्पल लिया, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको पूरा समझा रहा हूँ। तो अस्थमा में पहले डिसीज का इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे कि अस्थमा होता क्या है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे व्हाट आर द मेन रीजन। तो दो तीन मेन कारण होंगे कि म्यूकस सिक्रीशन होता है, म्यूकस सिक्रीशन की वजह से जो है एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं आपके, चोक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजंस होते हैं। उसके बाद उसमें जो क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें कोई प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग इन ईच कैटेगरी, प्रोटोटाइप का मतलब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एंटी हाइपरटेंसिव जब आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जैसे निफेडिपिन मेन मॉलिक्यूल है, तो उसी को बोल दिया गया प्रोटोटाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना। आप कहोगे सर 50 दवाएं सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पढ़ना, नहीं, कैटेगरी वाइज पढ़ना। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस पे, टी पे काम करता है कि एल चैनल पे काम करता है, कैसे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैसे उसका कैसे आउट होता है सोडियम में, सारी चीजें आपको प्रोसेस जानना पड़ेगा। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि एक कैटेगरी ऑफ ड्रग का एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, वो आपको तैयार करना। हर दवा के पढ़ने जाओगे तो पागल हो जाओगे आप, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद साइड इफेक्ट, अब देखो साइड इफेक्ट तो हर दवा का अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, उनका साइड इफेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस कैसे कहते हैं, यानी कि उस बीमारी में, उसमें देखो लाइन होती है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, यानी कि अगर कभी शुरुआती में होता है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन दी जाती है, फिर उसके बाद मान लो रेजिस्टेंट होगा तो सेकंड लाइन दी जाएगी, मान लो सबसे खतरनाक मामला होगा तो थर्ड लाइन दी जा रही है। ठीक है, तो उसमें भी कई कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभी जब खतरनाक स्थिति हो तो पहले ही फर्स्ट लाइन दे दी जाती है, यानी कि मेन दवा क्या है उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं। ठीक, तो ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे मैं कहूँ कि आपको हाइपरटेंशन में सबसे मेन लाइन ड्रग कौन सी दी जाती है, एचआईवी में मेन लाइन आपकी ड्रग कौन सी दी जाती है, उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आपकी जैसे आपको ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा में सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंटीडोट्स, अब मान लो जैसे पैरासीटामोल आपने खाया, खूब पैरासीटामोल आपने दबा के खाया, और पैरासीटामोल खाने के बाद आपको पॉइजनिंग हो गई पैरासीटामोल की, तो उस पैरासीटामोल की पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए कुछ एंटी जहर उसका काट भी तो होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। तो पूरी फार्माकोलॉजी में आपको अगर कोई एक डिसीज है तो उस डिसीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको छिटपुट होनी चाहिए, उसके अलावा उसका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, और हर क्लासिफिकेशन में उसकी प्रोटोटाइप जो मेन ड्रग है उसको दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग वो पता होना चाहिए। फिर उस पूरे कैटेगरी का जो एक कैटेगरी है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुड भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साइड इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उनका पता होना चाहिए, ड्रग ऑफ चॉइस पता होना चाहिए पर्टिकुलर बीमारी में, और एंटीडोट आपको पता होना चाहिए। तो यही आपको पढ़ना है, और इतना अगर आपने पढ़ लिया ना तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप फोड़ फाड़ तो मचाओगे ही, उसके अलावा मैं फोड़ फाड़ वाड़ क्यों यूँ कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ताकि आपको थोड़ा सा, वैसे आपको लगता होगा सर बड़े सीरियस है, मैं इतना सीरियस कैंडिडेट नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हो, ठीक है, हंसी मजाक भी करता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ हमको पढ़नी है, यानी कि डिसीज इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस, एंटीडोट, अगर ये आपने 5 पॉइंट पढ़ लिए ना,
और यही पूरे हर चैप्टर में यही करना है। 50 पन्ना लिखा हुआ उससे हमें दुनियादारी से नहीं मतलब है। केडी त्रिपाठी इतनी मोटी बुक है उसको पढ़ पाओगे? गुडमैन एंड गिलमैन आप पढ़ पाओगे इतना? लिपिन स्क्वाड पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे आप इतनी सारी चीजें। तो एक स्ट्रेटजी हमको बनानी ही पड़ेगी अपने आप को। लिमिट ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ज्ञान को समेटने की जरूरत है। ठीक है, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट का ज्ञान मिल रहा है, बस समेटने की जरूरत है अपने आपको। तो ये स्ट्रेटजी हम पूरा फॉलो करने वाले हैं, ये पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले में। तो आज की क्लास में आप देख पा रहे हो कि फार्माकोलॉजी क्या है, उसके बारे में है, उस पूरा ओवरऑल सार क्या है उसका, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको पता लगा। ये जो मेन पार्ट था इस वीडियो का, दैट वॉज स्ट्रेटजी। चलिए लास्ट में एक सवाल आपसे पूछता हूं कि जब आप बुखार की दवा खाते हो तो आपका बुखार ही क्यों उतरता है? वो जाके किडनी में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, वो क्यों नहीं कहीं और जगह? मतलब कैसे उसको पता लगता है कि हाउ इट शुड एक्ट, हाउ इट हैज टू रिड्यूस द फीवर, उसको बुखार क्यों उतारना है? तो इसका जवाब है, मैं दे देता हूं जवाब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। आप में से कुछ सीनियर बच्चे होंगे, उनको पता होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा ये प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अब कह रहे हो कि दवा कैसे जा रही है, तो ब्लड, देखो अब इस टर्म को थोड़ा सा समझ लो। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब दवा आपने खाया वो टूटी फूटी जीआईटी सिस्टम में आई, जीआईटी से फिर ब्लड में आ गई, आपके खून में जब आ गई, तो जब फॉर्मुलेशन आपके जीआईटी सिस्टम से, आपके टिश्यू सिस्टम से, इट इज गोइंग टू कम इन द ब्लड सर्कुलेशन, दैट टर्म इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एकदम क्लियर करके रखिए, एब्जॉर्प्शन उसे कहेंगे जब दवा टूट के, फूट के, डिजॉल्व होके कहां पे आ जाए, टिश्यू से या जीआईटी मीडियम से ब्लड सर्कुलेशन में, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, अब दवा आ गई तो खून तो पूरे शरीर में दौड़ रहा है, तो फैलेगी किसकी वजह से? उस खून की वजह से फैलेगी, तो उस खून की वजह से फैलेगी। लेकिन आपको मैंने कहा कि वो दवा को कैसे पता चलेगा कि मुझे बुखार ही उतारना है? तो उसके लिए हमारी बॉडीज में डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस ब्लड के थ्रू उस ऑर्गन पे जाएगी दवा, उस रिसेप्टर से उसकी अफिनिटी होती है, एक लगाव होता है, उस रिसेप्टर के जाके बाइंड हो जाएगी और कहीं नहीं बाइंड होगी। तो ना वो तो टॉक्सिसिटी करने वाली, ना साइड इफेक्ट कॉज करने वाली, अपना काम करेगी चुपचाप। मेटाबॉलिज्म क्यों होता है दवा का? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमेशा केमिकल अल्टरेशन, जो आपने दवा खाया उसका केमिकल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दवा को अल्टीमेटली काम करने के बाद ये एलिमिनेशन भी तो होना पड़ेगा, नहीं तो ढेर सारा अंबार लग जाएगा दवा का अंदर, समझ रहे हो? पैरासिटामोल खाया, पता लगा एक साल बाद 50 किलो पैरासिटामोल निकल रहा है बॉडी से, तो एलिमिनेट आउट भी तो होना चाहिए। तो एलिमिनेशन कहाँ से होता है? या तो पेशाब के रास्ते होता है, तो स्वेट के रास्ते होता है, या फिर लंग्स वगैरह से, या फिर कहीं से। तो स्वेटिंग में भी आप देख रहे हो एक्वस फेज है, पेशाब के रास्ते में भी जो यूरिन आ रही है वो भी आपका एक्वस फेज है। तो यानी कि चाहे आप लाइपोफिलिक कैटेगरी ऑफ ड्रग खाओ, चाहे हाइड्रोफिलिक कैटेगरी ऑफ ड्रग खाओ, अल्टीमेटली जिस जगह से दवा बाहर होने वाली है वहां हाइड्रोफिलिक यानी पोलैरिटी होनी चाहिए। यानी कि कंपाउंड्स का इस तरीके से केमिकल अल्टरेशन किया जाता है कि वो नॉन पोलर से पोलर हो जाए, यानी कि लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाए, और जैसे हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होगा इजली इट इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा सा एक छोटा सा सिंपल सा ज्ञान था, थोड़ा सा वो था, आप इसको समझिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर सारा जो है आपको समझ में आएगा, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि क्या इसमें समस्या है, इस वीडियोस में क्वालिटी वगैरह सही है। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी वीडियोस को देखो तो पूरा देखो आप, एक दो मिनट मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। और ऊपर से एक चीज़ और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियोस को थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखिए, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर क्वालिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बढ़ा के देखना, तब आपको विजिबिलिटी अच्छी आएगी। ठीक है, तो इसको आपको बढ़ा के देखना है, आपको उसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अगर बेल आइकन दबाओगे ना तो जैसे मैं यहाँ वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी वहाँ पे, तो आपकी कोई भी वीडियोस मिस नहीं होंगी। ठीक है, तो आपके कंटिन्यूटी के लिए जो है आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब डेफिनेटली करोगे, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको शेयर करो ताकि ज्ञान को बांटने से हमेशा बढ़ता है, कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए ज्ञान को। मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे शेयर करता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरे अंदर एक वो आती है। और जब आप पॉजिटिव फीडबैक, जब आपकी इतनी डिमांड आ गई ना कि मैं थोड़ा सा प्रेशराइज हो गया कि अच्छा कोलोजी भी पढ़ाना, ये भी पढ़ाना, वो भी पढ़ाना, कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और मेरे ऊपर भरोसा रखिए कि मैं आपको बीच में नहीं छोड़ के जाना दूंगा, या मैं बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा, धमकी नहीं दे रहा हूं, मतलब मैं बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा, आपको प्रॉमिस किया है। तो मैं कोलोजी भी लाऊंगा, सोटिक्स भी, आज कोलोजी की स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अपना फीडबैक दीजिएगा और इसी के साथ मैं लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।